फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीए का नंबर कल्चर बाई साइक्लो कंपाउंड का। तो चलो इसका हेडिंग लिखते हैं, बाई साइक्लो कंपाउंड। बाई साइक्लो कंपाउंड तो बाई साइक्लो कंपाउंड के अंदर आईपीए का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड फाइंड कैसे करते हैं? तो बाईसाइक्लो का मतलब होते हैं दो साइक्लिक रिंग होता है। कितना रिंग होते हैं? दो साइक्लिक रिंग होते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग बना लिए यू ऐसे। ठीक है, एक साइक्लिक रिंग ए है और इसके साथ एक साइक्लिक रिंग और ऐड कर दिए। और यहाँ पे जो दोनों रिंग है ना, दोनों सिक्स का है। दोनों रिंग कैसा है? सिक्स का है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन होते हैं और यहाँ पे जो कार्बन होते हैं, इससे बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन, शॉर्ट में लिखते हैं BHC। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। तो कभी भी जब बाईसाइक्लो कंपाउंड की आईपीए का नियम लिखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर ब्रिज हेड कार्बन फाइंड करते हैं। और इसका जो डिग्री होता है वो थर्ड डिग्री होता है। देखो, ये भी कार्बन थर्ड डिग्री है और ये भी कार्बन चेक करो थर्ड डिग्री है। दोनों जो ब्रिजेड कार्बन है वो कैसा है? 30 है। अब इसकी जब आईपीए के नियम लिखते हैं, अब एक चीज इसमें देखो कि यहाँ पे जो दोनों रिंग है, फर्स्ट एयर रिंग, इसको मान लिए ए और यह है बी। तो देखो यहाँ पे जो दोनों रिंग है ना, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल रिंग होते हैं और उसकी जब आईपीए के नियम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाईसाइक्लो के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं बाईसाइक्लो। क्या करते हैं सबसे पहले? सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो। क्लियर है? सबसे पहले क्या लिखे? बाईसाइक्लो। उसके बाद डालते हैं बेटा ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या डालते हैं? ब्रैकेट यू ऐसे। अब उसके बाद देखो, ब्रिजेट के लेफ्ट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। राइट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मतलब दोनों रिंग इक्वल है तो कार्बन भी दोनों साइड इक्वल है। तो किसी भी रिंग को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, उसके बाद 4। और यहाँ से चेक करो कि जो ब्रिजेट के अंदर कार्बन है वो एक भी कार्बन नहीं है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, मतलब 4 4 0। ठीक है, उसके बाद देखो टोटल इस कंपाउंड के अंदर कार्बन 6 तो ऐसे हो गया, 7 8 9 10, 10 हो गया। ठीक है, अब इसका जब 10 कार्बन है टोटल इस कंपाउंड के अंदर, तो 10 को बोलते हैं डेक। अब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड एल्केन होते हैं और एल्केन एल्केन का सफिक्स होता है एन। तो फाइनली क्या लिख देंगे? डेक। ठीक है, अब उसके बाद देखो, जब इसके अंदर डेक लिखे तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट डेकेन, क्योंकि 10 है ना और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है। तो इसका फाइनली नाम क्या आ जाएगा? बाईसाइक्लो 440 डेकेन। ठीक, सबसे पहला ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब टाइप सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, बिल्कुल समझना ध्यान से। सेकंड में क्या करते हैं? एक रिंग को बड़ा बनाते हैं, मतलब दोनों रिंग को डिफरेंट रखते हैं। देखो यहां पे दो रिंग है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करते हैं? ब्रिजेट कार्बन को फाइंड करते हैं। तो यहां पे एक कार्बन है और यहां पे एक कार्बन है। इस कार्बन को बोलते हैं ब्रिजेट कार्बन। सबसे पहले क्या करते हैं? इसके अंदर ब्रिजेट कार्बन को फाइंड करते हैं। ब्रिजेट कार्बन फाइंड कर लिए। अब इसकी जब आईपीए के नियम लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले में रिंग दोनों इक्वल था तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन अगर रिंग डिफरेंट हो गया तो सोचना पड़ेगा। अब जब रिंग डिफरेंट होते हैं तो इसको लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है उसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे चेक करो उसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो। सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो, ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, बाईसाइक्लो लिखने के बाद ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद 4। ठीक है, राइट में कितने कार्बन है? 3। और ब्रिजेट के अंदर कितने कार्बन है? 0। तो लिखेंगे 4 3 0। टोटल इसके अंदर काउंट करेंगे तो टोटल इसके अंदर 6 7 8 9। तो 9 को क्या लिखते हैं बेटा? नॉनेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉनेन, मतलब बाईसाइक्लो 4 3 0 नॉनेन। समझ में आया? तो इस तरह के कंपाउंड के हम ऐसे आईपीएस में लिखते हैं। अगर दोनों रिंग सेम है तो किसी को भी लिख देंगे, रिंग अगर डिफरेंट है तो जो बड़ा रिंग होता है उसकी कार्बन को पहले लिखते हैं। देखो थर्ड टाइप में
थर्ड टाइप के क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या करिए, नेक्स्ट कंपाउंड ऐसा ले लिए। अब इसकी आईपीएसी नंबर लिखना बिल्कुल सिंपल है, चेक करो एक रिंग बड़ा है और एक रिंग छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 22 साइक्लो, सबसे पहले लिखे 22 साइक्लो, उसके बाद लिखेंगे 4, ठीक है, उसके बाद 1 और 0। टोटल कितने कार्बन है, 7, 7 को बोलते हैं हेप्टेन। क्या लिखेंगे, हेप्टेन। तो इसका हो गया आईपीएक नेम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो करना क्या है कि यहाँ पे रिंग ले लिए, इस टाइप से रिंग ले लिए, और नेक्स्ट यू कुछ इस टाइप से रिंग ले लिए, और इसकी आईपीएक नेम लिखना है। अब जब इसकी आईपीएक नेम लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले को ही काम करेंगे, ब्रिजेड कार्बन को फाइंड करेंगे। एक कार्बन और एक कार्बन क्या है, ब्रिजेड कार्बन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ब्रिजेड कार्बन है, अब इसकी आईपीएक नेम लिखेंगे। अब एक चीज देखो कि ब्रिजेड कार्बन के अंदर दो कार्बन है, फर्स्ट और सेकेंड। ब्रिजेड के अंदर दो कार्बन है, पहले ब्रिजेड के अंदर देखो जीरो कार्बन था, लेकिन अब जो कंपाउंड लिया है इसके अंदर दो कार्बन है। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे 22 साइक्लो, 22 साइक्लो, उसके बाद देखो 22 साइक्लो लिखने के बाद यहाँ से चेक करेंगे लेफ्ट में कितने कार्बन है, दो, राइट में कितने कार्बन है, तो, और ब्रिजेड के अंदर कितने कार्बन है, तो सभी जगह कार्बन सेम है, किसी एक को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2, और ब्रिजेड के अंदर कितने कार्बन, 2, 2, 2, 2। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 8, 8 को क्या लिखते हैं, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो इस कंपाउंड का ये आईपीएक नेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, देखो 5, एक कंपाउंड ऐसे ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम किए क्या कि ऊपर में एक हम बीआर ऐड कर लिए, एक लोकेंट ऐड किया। पहले जो कंपाउंड लिए थे उसके अंदर एक भी लोकेंट नहीं था, लेकिन अब जो कंपाउंड लिया उसके अंदर एक लोकेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कंपाउंड के 22 साइक्लो कंपाउंड के अंदर लोकेंट आ जाएगा तो इसमें काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से काउंटिंग हमेशा स्टार्ट करते हैं ब्रिजेड कार्बन से, या तो ऊपर से या तो नीचे से। अब ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं तो 2 किधर देना पड़ेगा, जिधर से लोकेंट की पोजिशन पहले आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो लोकेंट की पोजिशन आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे से इसका पोजिशन क्या है, लोकेंट की दूर है, बट यहाँ से लोकेंट की पोजिशन क्या है, पास है। तो काउंटिंग करना किधर से बेटर होगा, ऊपर से, मतलब उस ब्रिजेड से कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से लोकेंट की पोजिशन पास आते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग करना क्या है, गलत है। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अब इसका आईपीएक नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले लोकेंट का नाम लिखते हैं पोजीशन के साथ, 2 पे है, बीआर को बोलते हैं ब्रोमो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट डालने के बाद चेक करो यहाँ पे लेफ्ट में कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। राइट में कितने कार्बन है, 4, और ब्रिजेड के अंदर कितने कार्बन है, 0, तो लिखेंगे 4, 4, 0। टोटल कितने कार्बन है, 10, 10 को क्या बोलते हैं, टेकन, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड की इस तरह हम आईपीएसी नंबर लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर है 6। देखो यहाँ पे कंपाउंड ले लिए, अब यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ पे कोई भी एक लोकेंट लगा दिए, जैसे सपोज यहाँ पे एक बीआर लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे लोकेंट लगा दिए, एक सीएल भी लगा दिए। इसकी आईपीएक नेम लिखना है। तो पहले तो इसकी ब्रिजेड कार्बन चेक करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन क्या है, ब्रिजेड कार्बन है। अब इस बच्चों को दिक्कत क्या होता है, लगता है दिखने में ऐसा रिंग लगता है जैसा ट्राईसाइक्लो है, बट रियल में जो रिंग होते हैं बाईसाइक्लो होते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है, इस वाले पे जो कार्बन है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे नो कार्बन होते हैं, कोई कार्बन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है,
ये स्ट्रक्चर एक्चुअली 3D है, तो दिखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होता है, ये ब्रिज है, मतलब ब्रिज कहने का मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज है, ऊपर की ओर से है, ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होता। तो जब हम इसकी IPA नियम लिखेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, ब्रिजेड है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से लोकेन की पोजिशन आएगा तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इस ब्रिजेड ब्रिजेड से, तो 1 इसको देंगे 2, ठीक है, और इस तरह से हम इसकी IPA नियम लिख लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर यही था बाईसाइक्लो कंपाउंड की IPA नेम। अगर आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।